बात धुंध और सर्दी के डबल अटैक की। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक जारी है। दिल्ली, यूपी, बिहार के तमाम शहर कोहरे की चादर में लिपटे हैं। पहाड़ों पर अगले दो दिन भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सर्दी अभी और बढ़ सकती है। ये तस्वीरें कुछ रख रहे हैं जहां शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक दिखने को मिल रहा है। दिल्ली, मेरठ, पटना, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लोग अलाव के जरिए ठंड से थोड़ी राहत पा रहे हैं। धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है। आज गुरुवार की सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को कोहरे की वजह से खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के प्रोजेक्शन के हिसाब से आज दिल्ली और आसपास के इलाके में मॉडरेट फॉग यानी कि फॉग की कोहरे की मध्यम चादर छाई हुई रही। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की तो लगभग 10 डिग्री के आसपास रहा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पे भी खासा असर दिख रहा है। नॉर्दर्न रेलवे के हिसाब से आज जहां कोहरे की वजह से 22 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी, वहीं दूसरी तरफ लगभग 13 ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से कई घंटे लेट चल रही है। यानी कोहरे का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मौसम विभाग के प्रोजेक्शन के हिसाब से आने वाले 3-4 दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाके में बारिश होने की भी संभावनाएं बनी रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन चंदोक के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के वक्त, शाम के वक्त शीतलहर चल रही है, लेकिन अब घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के बेहद नजदीक मौजूद हूं। अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन घने कोहरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस के परेड की यहां पर प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे, आप देखिए, अब यहाँ से जो इंडिया गेट है वो भी बेहद नजदीक है, लेकिन हालत यह है कि इंडिया गेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर की फिलहाल है। तो यानी आप अपने घर से अगर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और गाड़ियों से निकल रहे हैं तो बेहद सावधानी से निकले। मौसम विभाग का कहना है कि जो घने कोहरे की चादर है दिल्ली NCR में, ये इसी तरीके से कुछ दिनों तक रहने वाली है। कैमरामैन दीपक बिश के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वहीं पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर पारा माइनस डिग्री पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं हिमपात को मात देने के लिए हिमवीरों की तस्वीरें सामने आई। पुंछ में तैनात सेना के जवान भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दिए, तो वहीं कश्मीर में जवानों ने वॉलीबॉल का मजा लिया।